देवास जिले के खातेगांव में सन 2018 में ग्राम खल में हुए अंधे कत्ल का 2 साल बाद खातेगांव पुलिस ने खुलासा किया है। दिनांक 28 अगस्त 2018 को सुबह 8 बजे ग्राम खल के तालाब में एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी गला दबाने से मौत हुई थी। इस बात को पूरे 2 वर्ष यानी 2020 में पुलिस द्वारा अंधे कत्ल खुलासा किया गया। अंधे कत्ल के जुर्म में राजेश पिता कैलाश राठौड़ उम्र 20 साल, दीपक पिता मनोज राठौड़ उम्र 23 साल निवासी इंदौर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने मिलकर विक्रम का गला दबाकर तालाब में फेंक दिया था। पुलिस अधीक्षक सुश्री कृष्णा देवी देसावतु के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया SDOP निर्भय सिंह अलावा ने आज खुलासा किया है। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। दिनांक 28 तारीख अगस्त 2018 को खल बचकार के पास तालाब में एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला था, पानी में डूबा हुआ था। ग्राम चौकीदार की रिपोर्ट पर थाना खातेगांव में उस पर मर कायम किया गया और बाद उसके अपराध धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि मृतक की गर्दन दबाकर और उसकी एक्सपीसिया कारण था उसकी मृत्यु पर, उसकी हत्या हुई है। जब पूरी पड़ताल की तो तत्कालीन समय तो बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि सभी एक दूसरों से मिक्स थे, एक दूसरों के साथ रह रहे थे। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा फिर इसके पुनः संज्ञान में लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में इसमें एक टीम बनाई गई। उसमें SDOP साहब थे, थाना प्रभारी थे, भदौरिया जी थे हमारे सब इंस्पेक्टर साहब और बाकी थाने का स्टाफ था। इन लोगों ने वापस से पूरी घटना को रिकंस्ट्रक्ट किया, कुछ मोबाइल फ़ोन और उससे संबंधित जानकारियों को एकत्रित किया, साइबर सेल की मदद की, वापस पूरी घटना को रिकंस्ट्रक्ट कर किया और फिर उन चीज़ों को बारीकी से उसका विन्यास कर फिर पूरा एनालिसिस किया गया। तब जाकर ये पता पड़ा कि इंदौर निवासी राजेंद्र और दीपक राठौर दोनों कज़िन ब्रदर हैं। इन दोनों ने एक LP ट्रक था, उसका ड्राइवर था विक्रम कोरकू। इस विक्रम कोरकू को 2-3 दिन पहले कुछ 19,000 रुपये सिलर दे के रवाना किया था। रेत भरने के लिए वो 19,000 रुपये लेके निकला था, लेकिन वो पैसे खर्च हो गए, उसने कोई काम भी नहीं किया। जब बाद में वो लोग ढूंढते हुए आए तो वो खल बचकाल के पास ही एक ढाबे में क्षतिग्रस्त अवस्था में वो तो उनका ट्रक मिला। फिर उन्होंने जब जैसे वो ट्रक की लाइट वगैरह चालू कर रहे थे तो ही उसको विक्रम दिख गया लाइट। विक्रम का पीछा दोनों ने किया, राजेंद्र और दीपक ने, और ये दौड़ते हुए गए खेत को पार करते हुए और तालाब के पास पहुँचे और उसको पकड़ा। राजेंद्र ने उसकी गर्दन दबा दी, उसकी वहीं मौके पर मृत्यु हो गई। दोनों ने मिलके उसको उसी तालाब में डेड बॉडी को डाल दिया और वहाँ से दूसरे ड्राइवर एक और ड्राइवर को लेके सामने थे विजय बोलू, उसको लेके वो फिर ट्रक लेके वापस चले गए। और इस घटना में किसी तरह से किसी से कोई बातचीत नहीं की, साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश की, तो 201 की धारा भी इसमें उन पर लगाई गई। तो इस तरह से पूरी घटना का खुलासा किया। इसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, पूरे सभी लोग बधाई के पात्र हैं। 10,000 रुपये का इसमें इनाम घोषित किया गया था पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, वो टीम को बराबर उनके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।